हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजॉय द फूड किचन। में आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेशल रेसिपी चीज़ पोटैटोज़, जो कुछ ही मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, और हम इसे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, इजी नाश्ता बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसे बनाने के लिए हम लेंगे एक पैन, पैन में डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसके अंदर डालेंगे कुटा हुआ लहसुन, लहसुन को भी थोड़ा सा भून लेंगे। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा, जीरा डालने के बाद अब इसके अंदर डालेंगे उबले हुए आलू। आलू को मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा था। अब हम इसके अंदर डालेंगे सेजवान चटनी 1 चम्मच, मेयोनीज 1 चम्मच, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, चिली फ्लेक्स, हल्का सा थोड़ा सा नमक। आलू को मसाले में अच्छे से भून लेंगे। ये आलू उबले हुए हैं इसलिए हमें ज़्यादा इसे नहीं भूनना है। अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। आलू को अच्छे से मसाले में भून लेंगे, सारा मसाला आलू पे अच्छे से लग जाए। अभी थोड़ा सा मेयोनीज और टमाटर सॉस और डाल लेते हैं, मसाले का टेस्ट बढ़ जाएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे, जिसमें सभी मसाले एकदम पक जाएं और आलू एकदम चटपटे बने। इसके ऊपर डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, क्रश की हुई चीज़, और 2 से 3 मिनट के लिए फिर से ढक्कन लगा लेंगे, जिससे चीज़ मेल्ट हो जाए। देखिए चीज़ मेल्ट हो चुकी है, आलू भी बढ़िया वाले मसाले में भुन चुके हैं। अब गैस को ऑफ कर देंगे। देखिए हमारी चीज़ पोटैटोज रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। ये बहुत ही अच्छी बनी है, आप इसे एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए अब हम इसे प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए कितनी जल्दी से नाश्ता बनकर तैयार हो गया है, और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको आज की न्यू रेसिपी कैसी लगी। भी आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल एंजॉय द फूड पर मिलेगी, तो आप मेरे चैनल को फॉलो करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।